हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो दे विच मैं करवाऊंगी चेंज द वॉयस। चेंज द वॉयस एक्टिव पैसिव किस तरीके नाल किवें जिहड़े कि अटैम्प्ट करने हुंदे ने एग्जाम दे विच जां टेस्ट दे विच किवें तुसीं इहनां नूं करना हुंदा और रूल्स ते विद एग्जाम्पल्स मैं इस वीडियो दे विच करवाऊंगी। आई होप तुसीं इहनूं चंगे तरीके नाल जिहड़े कि समझ लोगे ते अपना इहनां नूं चेंज द वॉयस तुसीं सॉल्व कर सकोगे। वीडियो नूं एंड तक देखना। इस दे विच टोटल जिन्ने भी रूल्स ने चेंज द वॉयस दे, इंटैरोगेटिव दे, इंपैरेटिव दे, वो टोटली जिहड़े कि इस वीडियो दे विच मैं करवाऊंगी, तो वीडियो नूं एंड तक देखना। हाँ जी, चेंज द वॉयस। चेंज द वॉयस जो आपां ने बनाना, सब तो पहले तुसीं याद ये रखना कि जो आपां ने चेंज द वॉयस एक्टिव पैसिव बनाना, तुसीं एक्टिव दिता होया उसनूं पैसिव बनाना, तुसीं पैसिव फॉर्म दे विच बनाना, तां इहदे विच हमेशा ऑलवेज तुसीं क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगाउणी आ पैसिव जदों तुसीं इहनूं बनाओगे। तो जदों सिर्फ इंपैरेटिव हुंदा जिवें यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टड टू, उस टाइम नहीं थर्ड फॉर्म लगती होंगी। और रूल किवें ने वो मैं तुहानूं बाद चों दस्सूंगी, पहले तुसीं इन्ना समझो कि इहदे विच थर्ड फॉर्म यूज़ करनी आ। तो एक दे विच क्या यूज़ करना, सब तो मेन गल तां की याद करने, जो अपने पैसिव बनाना तो जो तुहाडा सबजैक्ट आ उसनूं तुसीं की बना दोगे, ऑबजैक्ट बना दोगे, तो जो ऑबजैक्ट आ उसनूं की बना दोगे, सबजैक्ट बनाउणा। सबजैक्ट नूं ऑबजैक्ट ते ऑबजैक्ट नूं सबजैक्ट बनाउणा। दैन इहदे विच बाय यूज़ करना। बाय किवें यूज़ करना, हुण अपना फॉरमैट क्या होगा जो तुसीं बनाओगे, देखो सबजैक्ट जो तुसीं ऑबजैक्ट तो सबजैक्ट बनाया, फिर तुसीं हैल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। हैल्पिंग वर्ब किवें यूज़ करने हो मैं तुहानूं दस्सूंगी, पहले तुसीं इन्ना माइंड च अपने च मतलब कि सीखो कि सबजैक्ट ऑबजैक्ट नूं सबजैक्ट बनाया, फिर हैल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब जिसनों आपां एक्शन वर्ब बोलते हैं, एक्शन वर्ब, दैन फिर बाय, फिर जो भी आया ऑबजैक्ट। ये जिहड़ा कि मतलब कि जो भी आपां ने पैसिव बनाउणा उहदा इह फॉरमैट आ, इहनूं एवें बनाउणा। तो उस तो बाद जो तुसी सबजैक्ट ते हैल्पिंग वर्ब लिख ली, मेन वर्ब लिख ली, एक्शन वर्ब लिख ली, फिर तुसी बाय यूज़ करना। हुण बाय है जिहड़ा कि सारे नाल बाय यूज़ हुंदा, बट जिहड़ा ए वाले ने, ठीक है, ये जो करवाऊंगी फिर मैं तुहानूं दस्सदी आं। नौ दे नाल टू नहीं लगदा, टू लगना मतलब कि बाय नहीं लगता, जो नॉन टू आऊगा, नॉन टू आता, वैसे भी अपने बोलना चाहता नॉन टू होंगे, तो ये बाय नहीं यूज़ होगा। डिसप्लीज्ड दे नाल एट लगेगा, प्लीज्ड दे नाल विद लगेगा, कंटेन दे नाल इन लगेगा, ठीक है। उन्होंने बाय यूज़ है जिहड़ा कि लिंकिंग वर्ड ये यूज़ नहीं होना। दैन इन दे विच प्रनाउन तुसीं याद रखने ने, आए है जिहड़ा कि मी दे विच चेंज हुंदा, आए की बन जूगा, मी बन जूगा, वोई दा अस बन जाना, तो यू दा यू ही रहना, दे दा दैम बन जाना, तो ही दा हिम बन जाना, शी दा हर बन जाना, इट दा इट ही रहना। तो अगर किसी का नेम आ तो नेम दा नेम ही रहूगा। ओके, हुण सपोज अगर फस्ट दे विच स्टार्टिंग सबजैक्ट तुहाडा आया, तो एंड दे विच उहनूं ऑबजैक्ट तुसीं की बनाओगे, मी बनाओगे। ये याद रखने ने, ये प्रनाउंस ने। हुण जिहड़ा आपां ने तुसीं टेंस चेंज करना है ना, उहदे विच अपने सब तो पहले तो सानू टेंस याद होने चाहिए ने, भी जो है सानू सेंटेंस दिता हो केड़ा टेंस यूज़ किया हो, फिर अगर तुसी पहचान कर ली फिर तुसी वॉइस दे विच चेंज कर पाओगे। ओके, नहीं बुक एक्सरसाइज तो तुसी सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि तो तुहानू असी वीडियो अपलोड करांगी। तां इहदे विच जो है टेंस चार्ट की एक वीडियो तैयार की हुई है, उसका लिंक जिहड़े कि दिता जाऊगा, तुसी उन्हूं वॉच कर लियो, उन्हूं वॉच करके फिर चेंज द वॉयस करो, तुसी तुहानूं जल्दी तो जल्दी जिहड़े कि समझ लग जाएंगे। हुण अगर अपना जो तुहानूं सेंटेंस दिता होया, सेंटेंस दे विच प्रेजेंट इंडेफिनेट आ, तां तुसी उन्हूं चेंज कर दिच करोगे इज़ एम आर, मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे विच उन्हूं चेंज करना। तो वर्ब की कि फॉर्म लगानी है, थर्ड लगानी है, वर्ब की फस्ट फॉर्म नहीं लगानी, थर्ड बनानी है। ओके, तो जो पास्ट इंडेफिनेट आ, पास्ट इंडेफिनेट नूं खींच चरो चेंज कर दोगे तुसीं पास्ट कंटीन्यूअस दे विच। पास्ट कंटीन्यूअस च की लगता, वॉज ते वर लगता, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वैसे कंटीन्यूअस दे विच वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी लगती है, बट आप जो चेंज द वॉयस करना, एक्टिव पैसिव करने, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करांगे। उस तो अगे फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, अगर फ्यूचर इंडेफिनेट च हुंदा विल ते शैल, तां ओह खींच चला जाऊगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस दे विच चला जाऊगा, विल वी शैल वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऑलरेडी ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस है,
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਾਰ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ? ਬੀਇੰਗ, ਬੀ ਈ ਆਈ ਐਨ ਜੀ, ਬੀਇੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਸੰਟੈਂਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੀਨਸ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੀਇੰਗ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ, ਵਾਜ਼ ਵਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ? ਬੀਇੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੀਇੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ, ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰਫੈਕਟ, ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1, 2 ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 3, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 4 ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਆ ਉਹ ਕੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਆ, ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਕਿਸ 'ਚ ਚਲਾਊਗਾ? ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਕਿਸ 'ਚ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੋਕ ਜੋ ਵੀ ਬੋਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਕਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਕਿਸ 'ਚ ਜਾਊਗਾ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਪ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 1-2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ 'ਚ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਉਹ 2-2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ? ਇਹ ਬੀਇੰਗ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 4, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? 4th ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ, ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਸ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਜ਼, ਹੈਵ ਬੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੈਡ। ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਹੈਡ ਬੀਨ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਲਗਾ ਲਈ। ਟੈਂਸ ਚਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਡਲਸ, ਕੈਨ, ਕੁੱਡ, ਸ਼ੁੱਡ, ਸ਼ੈਲ, ਸ਼ੁੱਡ, ਮੇ, ਮਾਈਟ, ਮਸਟ, ਔਟ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਟ ਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਵਾ 2-3 ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਉਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 3 ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਪਲੇ ਚੈੱਸ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਚਾਰਟ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਇਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੂ ਡਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਡੂ ਡਜ਼, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੈਸ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੋਰਮੈਟ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਰਬ,
मेन एक्शन वर्ब फिर अपना बाय फिर अपना जेडे कि ऑब्जेक्ट आ हूँ इतने आप लगावे चेस्ट पहला लिख लिया अपना आ कैटागरी कंप्लीट हो गई फिर अपना हैल्पिंग वर्ब लिखने हूँ हैल्पिंग वर्ब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे विचों लैणी आ इज एम आर हूँ इज एम आर कि ना कि सारा रूल उस दसे हुए हैं ठीक है इतने आप चेस सिंगुलर अपन लगा लिया इज फिर नॉट का नॉट लिखिया फिर वर्ब की थर्ड भी अपना फॉरमेट हो गया हूँ अपने ए वाला कंप्लीट करना एक्शन वर्ब हो गया अपनी प्ले प्ले की थर्ड फॉर्म लगाती अपना प्लेड ओके ये भी कंप्लीट हो गया हूँ अपने लगाता फिर हूँ ए बाय वाला सी फिर अपना लिंकिंग वर्ड बाय लगाता फिर अपना सब्जेक्ट की सी इतने आए सी आए का अपना ऑब्जेक्ट क्या बन गया इतने मी ये अपना जेहड़ा कि आंसर सॉल्व हो गया दैन सैकेंड जिमें आई एम बाइंग अ बुक हूँ इतने कि टेंस यूज़ किया हुआ है सेंटेंस के यूज़ किया हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूज प्रेजेंट कंटीन्यूज है हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूज मैं तुम्हें दस भी जोड़े भी कंटीन्यूज ने कंटीन्यूज प्रेजेंट तो पास्ट वो अपनी कैटागरी रेंगे ने फ्यूचर यदा है नहीं तो ये अपनी कैटागरी के ही रेंगे ने तो यह नाल की लगा लाते हैं बीइंग लगा की लगाते हैं यह बीइंग लै लेंगे तो हूँ यदा आप बनावे आ अपनी होगी अपनी हैल्पिंग वर्ब हाँ हैल्पिंग वर्ब दैन अपनी उस तो बाद अपनी आ गई एक्शन वर्ब ठीक है एक्शन वर्ब तो बाद अपना की होंगे ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट अपना फर्स्ट के लिखा उन्होंने बनाता अपने सब्जेक्ट तो इतने अपना आ गया अ बुक आ गया फिर अपने इनू अपनी कैटागरी रखना बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दसाया मैंने है ना भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाने ने हैल्पिंग वर्ब तो इतने अ बुक अपनी एक चीज़ है तो इतने अपने लगाता इज एम आर चो इज क्योंकि सिंगुलर है इज आ गया फिर अपने लगाना बीइंग फिर अपने बीइंग लगाता फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी से अपने तो बाय दे अपने थर्ड फॉर्म लगाती बाउट बाउट लगाता फिर अपने लिंकिंग वर्ड की लगाना सी बाय बाय लगाता फिर अपने आए का की बन गया मी बन गया ये अपना सॉल्व हो गया दैन एक होर एग्जाम्पल वी हैड वोन द मैच हूँ इतने कि सब तो पहला तुसी जो भी तुहानू दिता होगा वो टेंस पहचानना भी वो किहड़ा हूँ इतने कि टेंस है पास्ट परफेक्ट आ तो हूँ पास्ट परफेक्ट मैं तो हूँ की दसे कि परफेक्ट तीजा नंबर आ तो तीजा नंबर कि बराबर आ फोर्थ के बराबर आ तो पास्ट परफेक्ट कि चला जाऊगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के चला जाऊगा मतलब कि ये हैड बीन लग जूगा तो आप पता लग गया फिर आप हूँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सारा चीज़ बनाने तो वर्ब की फॉर्म यह रही मेन एक्शन वर्ब तो उस तो बाद वाला जेहड़ा कि यह सारा ऑब्जेक्ट आ तो इनू अपने फर्स्ट के लिख लिया तो अपना लिख लिया द मैच लिखा फिर अपने अगे हैल्पिंग वर्ब लगाने हैड बीन लग गई अपनी हैल्पिंग वर्ब क्योंकि अपने यही की च लैके गए आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दे विच लैके गए तो अपने लग गया हैड बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉन की बॉन ए रह गई फिर अपने लगाया बाय लिंकिंग वर्ड फिर वोई का क्या बन गया अस सबजैक्ट का अपना की बन गया ऑबजैक्ट इतने वोई का की बन गया अस ये तीन एग्जाम्पल्स ने जेड़े सिंपल टैन तुसी पैसी बनाना वोदिया ने आई होप तुसी समझ गए होंगे हूँ आप अगे बनाने इंटैरोगेटिव ते इंपैरेटिव दियां हाँ जी नैक्सट कैटागरी है जेड़े कि इंटैरोगेटिव वाली जो सेंटेंस जेड़े कि इंटैरोगेटिव हुंदा उन्हूं किवें सॉल्व करना इंटैरोगेटिव है जेड़े कि एक तो डबल्यू दी फैमिली तो स्टार्ट हुंदे ने तो एक होंगे ने हैल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट पहला हैल्पिंग वर्ब वाले देख लो डू डज इज एम आर डिड वॉज वर हैज़ हैव हैड ते कैन मे शुड वुड इन्हां नाल अगर स्टार्ट हुंदे ने तां इन्हां नूं किवें बनाउणा ते जिहड़े डबल्यू दी फैमिली वाले हुंदे ने जिवें वाई वैन वेयर वट हाउ ते हू ये किवें सॉल्व करने ने हुण ये सॉल्व करदे आं आपां जिवें डू यू प्ले अ पेन ये हैल्पिंग वर्ब नाल स्टार्ट है जिहड़े हैल्पिंग वर्ब नाल स्टार्ट होणगे चाहे डबल्यू दी फैमिली नाल स्टार्ट होणगे पैसिव दे विच हमेशा ये बनाना कि ये इंटैरोगेटिव है तो इन्हों इंटैरोगेटिव दे विच ही रखना जिवें आपां चेंज द नरेशन बनाउने आ चेंज द नरेशन दे विच अगर कोई भी इंटैरोगेटिव हुंदा दैन आपां उन्हों इंटैरोगेटिव दे विचों हटा देने आ मतलब कि उस कैटागरी दे विच नहीं रखते उन्हें सिंपल बनाने हुंदे आ बट जिहड़ा चेंज द वॉइस जो आपां करदे आ हमेशा जो अगर यह इंटैरोगेटिव है तो इन इंटैरोगेटिव दे विच ही रखना उस कैटागरी दे विच रखना जो ये हैल्पिंग वर्ब है उसकी थान पर अपने अपने हैल्पिंग वर्ब लगाने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी कि चेंज होगा बाकी जो फॉरमेट उस तो बाद फिर ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बनाना हूँ डू वाला कि प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट की जाऊगा प्रेजेंट कंटिन्यू से जाऊगा तो डू डज पहले च लगे हुआ हैल्पिंग वर्ब तो अपने इज एम आर कैटागरी के कोई जी एक लगानी वो अपने फस्ट के ही लगावे क्योंकि यह इंटैरोगेटिव आ याद रखना इंटैरोगेटिव इंटैरोगेटिव के ही रखना जिथे हैल्पिंग वर्ब उन्होंने उत्थी ही रखना फिर जो अगला हूँ जिमें डू डू इतने भुल जाओ बाकी
डू नू ओदी थां ते अपनी हैल्पिंग वर्ब लगाओ, बाकी फिर उस सब्जेक्ट नू ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर हो जाता। जिमें डू की थान पर आपने लगाता अपना इज़ लिख लिया अपने, फिर हूँ आप यू लाइक पेन इनू सबजैक्ट ऑबजैक्ट बनावे। हूँ लाइक अपनी वर्ब ये अपना सबजैक्ट हो गया, अपनी एक्शन वर्ब होगी लाइक, तो ऑबजैक्ट की हो गया अ पेन, तो अपने इज़ अ पेन पेन लिखा गया अपना सबजैक्ट आ गया। फिर वर्ब की फॉर्म, क्योंकि हैल्पिंग वर्ब पहला लगा ली, हूँ वर्ब की फॉर्म आ लाइक, लाइक द भी बन गया लाइकड, फिर बाय, फिर यू का यू रह जाना, पिछे इंटैरोगेटिव साइन लगा देना, एवें बनाना है। हूँ जिमें डज शी नो यू, तो ये डज प्रेजेंट डेफिनेट आ, एक ही चला जाऊगा प्रेजेंट कंटिन्यू चला जाऊगा, उतो अपने इज एम आर लेना, ठीक है, इन्ना अपने याद रखे। फिर इनू हूँ इन्ने दे विचों देखो कि अपना सबजैक्ट ए वाला ऑबजैक्ट ए, ऑबजैक्ट रूप आप पहला लैके आवेंगे, इतने अपना लगे हुआ है यू, तो इज एम आर चो आप की लगावे आर, तो डज की थान पर अपना आ गया आर, फिर अपना सब्जेक्ट अपना लग लिया यू, फिर वर्ब की फॉर्म आ गई थर्ड नो दी नॉन, फिर नॉन दे नाल की दस्या मैं तुहानू वाई नहीं लगाना, उहदे नाल की लगाना टू लगाना, उहदे नाल की लगाना आपने टू लगाना टू, फिर शी दा की बन गया हर, पिछे इंटैरोगेटिव दा साइन उवें ही लिखना। नैक्सट है डबल्यू की फैमिली, हूँ डबल्यू की फैमिली के जिन्हें भी होंगे इन्हों जो भी है उन्होंने उत्थी स्टार्टिंग दे ही रखना। हूँ जिम्मे डबल्यू की फैमिली तो जो भी है उन्होंने उत्थी रखना, दैन उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब का जोड़ा वर्ब होगी उन्होंने लिखना, हैल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब, फिर तुम ऑबजैक्ट न सबजैक्ट बना, इतने ऑबजैक्ट न सबजैक्ट बना, फिर हैल्पिंग वर्ब तो बाद फिर सबजैक्ट ऑबजैक्ट, फिर अपनी एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब तो बाद फिर बाय, फिर जोड़ा कि जो भी सबजैक्ट का ऑबजैक्ट बनया। हूँ जिमें ये वाई डू यू लाइक हर, तो हूँ ये अपने जोड़ा अपना वाई सी उन्हू उमें ही लिखिया, क्योंकि डबल्यू की फैमिली वाला उत्थी ही रखना बिकॉज ऑफ इंटैरोगेटिव करके, इंटैरोगेटिव सेंटेंस आ तो अपने उत्थी ही रखना, यह इंटैरोगेटिव वर्ड आ तो उत्थी लिखिया। फिर अपना जोड़े कि डू है, हूँ इतने डू कहड़ा टेंस यूज़ किया हुआ इतने प्रेजेंट इनडेफिनेट, तो की जाऊगा प्रेजेंट कंटिन्यूस जाऊगा, तो उतों अपने की लिखना अपने हैल्पिंग वर्ब लैनी आ, बट उन्होंने लिखना अपने स्टार्टिंग दे विच है। तो हूँ आप इतने अपना सबजैक्ट देखना, सबजैक्ट अपने को लैके आवेंगे आप ऑबजैक्ट चो, क्योंकि आ हैल्पिंग आ जी कि अपने एक्शन वर्ब तो बाद की आ हर, तो हर शी तो हर बनता, तो शी अपने इतने सबजैक्ट लिखा, तो शी के अकॉर्डिंग इज़ एम आर चो आप लिखा इतने इज़ लिखा, तो वाई इज़, फिर अपना हर दा की बन गया शी, फिर वर्ब दी लाइक दा बन गया थर्ड फॉर्म लाइकड, फिर अपना आ गया बाय, फिर यू दा सब्जेक्ट सी जो अपना ये बन गया ऑब्जेक्ट, यू दा यू रह गया, ये बन गया वाई इज़ शी लाइकड बाय यू। दैन सैकेंड ए कैन मोडेल्स वर्ब चो एक सॉल्व किया आई कैन डू इट, हुण इत्थे ऑब्जेक्ट की है इट, इट पहला लिख लिया, फिर उस तो बाद कैन का जोड़ा मे कैन मे माइट शुड वुड इन्हों की लगता हों वी लाना, जो भी है उन्होंने सेम सिमिलर लिख के नाल उन्होंने बी लगाना, उन्होंने किसी चीज़ चेंज नहीं करना। तो हूँ इट कैन का कैन लिख लिया, फिर अपने लिख लिया बी, फिर डू दे वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है डन, फिर बाय, फिर आई का की बन गया इतने मी आना आई कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय मी, इट कैन बी डन बाय मी, ये बन गया। हूँ नैक्सट देखते हैं ए डबल्यू की फैमिली चो हु अब्यूज्ड यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट हु वाले याद रखने ने, हु दी थान ते की लिखना बाय हूम लिखना, हु दी थान ते की लिखना बाय हूम लिखना, तो जो आप वादे विच हैल्पिंग वर्ब तो बाद एक्शन वर्ब तो बाद जो आप बाय लिखते हैं फिर बाय नहीं लिखना, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो पहला जो आप बाय लिखते हैं वो बाय हूम वाले च हु वाले च पहला ही बाय हूम लग गया, फिर नहीं लिखना बाय, तो हूँ ये हु दी थान ते अपने को आ गया बाय हूम, फिर आप बनावे बाय हूम तो बाद। हूँ इतने टेंस केड़ा अब्यूज्ड, मतलब कि वर्ब की सैकेंड फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की सैकेंड फॉर्म कि होगी अपनी ए होगी पास्ट कंटिन्यू पास्ट इनडेफिनेट दे विच, पास्ट इनडेफिनेट किच चला जाऊगा अगर पास्ट कंटिन्यूस दे विच चला जाऊगा, आप लिखा बाय हूम तो बाद अपना की आजूगा यू, यू अपना ऑब्जेक्ट है तो यू नाल अपना लिखा वॉज या वर चो एक लवेंगे वर, वाय हूम वर, फिर अपना ऑब्जेक्ट आ गया यू,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड बाय पहला लिखा गया तो अपना इतने सब्जैक्ट है नहीं कि जिसनों आप ऑब्जैक्ट बनाते हूँ आप लिखा बाय होम वर यू अब्यूज्ड। नैक्सट है वट डू यू वॉन्ट, हूँ वट डू यू वॉन्ट के वट उमें उमें लिखा ठीक है। दैन उस तो बाद डू की कि टेंस है प्रेजेंट इनडेफिनेट प्रेजेंट इनडेफिनेट किस जाऊगा प्रेजेंट कंटिन्यूस जाऊगा तो उस अपने इज एम आर एक लिखनी है इज एम आर। हूँ आप लिखा इतने वट क्योंकि इतने उस तो बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप लिख लिया इज वट इज वट तो बाद अपना इज आ गया हैल्पिंग और इज ले ली अपने क्योंकि इतने वॉन्ट तो बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इतने अपना इज लिख लिया अपने एक्शन वर हैल्पिंग वर्ब तो एक्शन वर्ब वॉन्ट का की बन जूगा थर्ड फॉर्म वॉन्टड फिर बाय फिर जो अपना सबजैक्ट से सबजैक्ट तो बाद की आ गया ऑब्जेक्ट यू द यू रह गया जिहड़ी अपनी हैल्पिंग वर्ब तो बाद एक्शन वर्ब हुंदी है एक्शन वर्ब तो जिहड़ा कि राइट हैंड ते हुंदा एक्शन वर्ब तो राइट हैंड ते अपना की हुंदा ऑब्जेक्ट हुंदा ते जो स्टार्टिंग दे विच होगा वो अपना सब्जेक्ट होगा बट जिहड़े इंटरोगेटिव ने उहनां दे विच पहचान ये तुसीं रखना भी जिहड़ा अपना एक्शन वर्ब तो राइट हैंड ते अपना ऑब्जेक्ट आ ते लैफ्ट हैंड ते सबजैक्ट आ लैफ्ट हैंड ते सबजैक्ट आ तो लैफ्ट हैंड वाले तुसी राइट हैंड ते लेके जाओगे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जिहड़ा राइट हैंड ते उहनूं तुसी लैफ्ट हैंड ते लेके जाओगे ऑब्जेक्ट बनाओगे ये याद रखना। हुण कुछ इंपैरेटिव सेंटेंस हाँ जी लास्ट इज जिहड़े कि इंपैरेटिव होणगे जिहड़े इंपैरेटिव ने वह बहुत ही ईजी होंदे ने इहनां च कुछ इन्ना ज़्यादा नहीं हुंदा इहदे विच इह लैट ला के भी बनते होंगे ने ठीक है शुड वी ला के भी बनते होंगे ने ते यू आर ऑर्डर्ड यू आर रिक्वेस्टड यू आर एडवाइज्ड ये ला के भी बन जाते हैं। हुण इन्हां नूं किवें बनते हैं वो भी मैं तुहानूं दसूंगी एक एक हुण जिवें लैट वाला अगर तुसीं लैट यूज़ करना कोई भी इत्थे दिता होया ठीक है उन्होंने पहला लैट यूज़ करोगे वर्ड फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करना जो उसका ऑब्जेक्ट होगा फिर बी लगाना बी तो बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट के लगा है लैट वाले भी तो जो शुड भी लगा के बनाना ये सब तो पहला इतने तुम लैट वर्ड यूज़ किया शुड भी लैट वाले हूँ ये लैट यूज़ करना ये की करोगे सब तो पहला ऑब्जेक्ट फिर शुड बी कट्ठा लगाना शुड बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तीन स्टैप ने ये चार स्टैप ने हुणे किवें बनते ने हुणे देखो जिमें फॉलो द ट्रैफिक रूल्स फॉलो द ट्रैफिक रूल्स है दोनों तरीके बना के दिखाने मैं तुम्हें फॉलो द ट्रैफिक रूल्स हुणे अपने लैट ला के बनाना सब तो पहला अपने लैट वाले की किया स्टार्टिंग आप लिखना इतने लैट लिखना लैट तो बाद फिर अपने ऑब्जेक्ट लिखना तो ट्रैफिक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स तो पहला लैट लिखिया फिर ऑब्जेक्ट आ गया द ट्रैफिक रूल्स फिर उस तो बाद अपने लिखना सी बी तो बी लिखा गया फिर फॉलो द की बन गया फॉलोड लैट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब द थर्ड फॉर्म ए फॉरमेट सी तो ही यूज़ हो गया लैट हो गया ऑब्जेक्ट द ट्रैफिक रूल्स फिर बी हो गया फिर वर्ब द थर्ड फॉर्म बन गई फॉलो द फॉलोड हूँ जो शुड ला के शुड बी सी ये पहला ऑब्जेक्ट फिर शुड बी फिर वर्ब द थर्ड फॉर्म हूँ इसे बनाने तो इसे जो आप बनावे अपना बन जूगा ऑब्जेक्ट द ट्रैफिक रूल्स द ट्रैफिक वर्ब की फॉर्म तो बाद वाला जो होगा सारा ही मैं तुम्हें दसिया वर्ब की फॉर्म फॉलो इतने वर्ब की फॉर्म तो बाद एक्शन वर्ब तो बाद जो भी राइट हैंड तो सारा ऑब्जेक्ट है तो उन्होंने स्टार्टिंग दे विच सब्जेक्ट बनाना हूँ द ट्रैफिक रूल्स पहला आ गया फिर शुड बी इकट्ठा लिखना फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि यदा फॉरमेट की सी यदा फॉरमेट सी ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी इकट्ठा फिर की सी अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इतने कंप्लीट हो रहा। हुण इस तो अलावा जिहड़े कुछ होर हुंदे ने इन्हां दे विच इंपैरेटिव च तुसीं यू आर ऑर्डर्ड भी लिख सकदे हो जदों यू आर ऑर्डर्ड इन्हां तिन्नां च याद रखना यू आर ऑर्डर्ड यू आर रिक्वेस्टड यू आर एडवाइज्ड उस तो बाद वर्ब दी थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करनी नॉट थर्ड वर्ब दी फस्ट फॉर्म यूज़ करनी है याद रखना यू आर ऑर्डर्ड टू यू आर रिक्वेस्टड टू यू आर एडवाइज्ड टू क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर दे नाल अपने ईडी लगाता इतने थर्ड फॉर्म लग गई रिक्वेस्ट दे नाल ईडी लगाता एडवाइस दे नाल ईडी लगाता इतने ही थर्ड फॉर्म बनाती हैं इन्हां दी अपने थर्ड फॉर्म बनाती हैं उस तो बाद थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करनी उत्थे थर्ड फॉर्म नहीं उत्थे किहड़ी यूज़ करनी है फस्ट यूज़ करनी है ये याद रखना तो ये लगा के बनाना वैसे वैसे बहुत ईजी होंगे जिमें हुण आपां फॉलो द ट्रैफिक रूल्स नूं बनाईए तो ये आपां कमांड कर सकते हैं ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है जां एडवाइस दे सकते हैं हुण आप जिवें आपां एडवाइस ला के बनाउने यू आर एडवाइज़ टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स बाकी सिमिलर ओमी लिखा जाऊगा टू तो बाद सारा सिमिलर ओमी लिखा जाना वर्ब द फस्ट फॉर्म वाला ही लिखा जाना क्योंकि थर्ड इतने क्यों नहीं यूज़ करनी क्योंकि इन्हों ऑलरेडी इन्हों तिना थर्ड फॉर्म यूज़ होगी।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਛੱਟ ਦਾ ਡੋਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੱਟ ਦਾ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਔਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਔਡਰ ਟੂ, ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਟ ਦਾ ਡੋਰ, ਜਾਂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਯੂ ਆਰ ਔਡਰ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਯੂ ਆਰ ਔਡਰ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਛੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਓਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਦਾ ਔਡਰ ਦਾ ਡੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬ ਜੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਦਾ ਫਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਛੱਟ 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 ਇਹ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਵੀ ਛੱਟ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਥਰਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਛੱਟ ਦੀਆਂ ਛੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈਟ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਓਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਡੋਰ ਆਪਣਾ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਛੱਟ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਦਾ ਫਸਟ ਫੋਰਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਮੀਲਰ ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਹੁਣ। ਥੈਂਕਸ।